गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आफ्टर स्टडिंग द प्लेस ऑफ इंग्लिश बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। आज के संदर्भ में इंग्लिश का क्या स्थान है। सो एज यू आर सीइंग हियर, इंग्लिश इज स्टार्ट एज ए सेकेंड एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश को एज ए फॉरेन लैंग्वेज इंडिया में पढ़ाया जाता है और इंग्लिश इज़ नॉट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंग्लिश एग्जामिनेशन एंड कैरिकुलम इंस्ट्रक्शंस का मीडियम नहीं रहा है। ओनली कॉन्वेंट स्कूल इज स्टिल फॉलो इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पब्लिक स्कूल्स एंड कॉन्वेंट स्कूल ही इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। एंड इन प्राइमरी स्टेज इंग्लिश इज नॉट बींग taught except in public schools। Primary stage सभी state government schools जो है वो English को follow नहीं करते हैं as a medium of instructions, but public schools, CBSE schools, convent educated जो schools हैं वो primary stage में English medium of instructions को follow करते हैं। Lower secondary stage there is no uniform policy नहीं है, कोई भी एक पॉलिसी नहीं है, डिफरेंट अपने अपने अकॉर्डिंग सब फॉलो करते हैं लैंग्वेज को। बट हायर सेकेंडरी लेवल नो यूनिफॉर्म पॉलिसी, इट कैन बी स्टडी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। हायर सेकेंडरी लेवल पे कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है कि इंग्लिश में ही पढ़ाया जाना है, लेकिन इंग्लिश को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा सकता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी एट द ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल पर कंपल्सरी इंग्लिश पढ़ाया जाना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आज इंग्लिश लैंग्वेज को क्लियर करना ग्रेजुएशन लेवल पे कंपल्सरी हो गया है। सो हम कह सकते हैं कि आज इंग्लिश की इम्पोर्टेंस अपने इंडिया में है, इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए ग्रेजुएशन लेवल पर एज कंपल्सरी इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर का एग्ज़ाम होता है जिसे क्लियर करना होता है। अदरवाइज जब तक वो क्लियर नहीं होता है उसको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती है। सो इस तरह से हमने जो प्लेस देखा इंग्लिश का, उसके अकॉर्डिंग इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट टाइम, एंड इसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है, उसको हम वन बाय वन इसमें देखेंगे। इसमें से हम कुछ क्विक स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू गिव एंड अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ इंग्लिश इन स्कूल कैरिकुलम। आज इंग्लिश की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जिसके लिए हमें इंग्लिश नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, बच्चों में इंग्लिश लैंग्वेज को इन्हांस करने के लिए कुछ स्टेप उठाए जाने चाहिए। और इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है इस संदर्भ में हमने कुछ यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं जिन्हें वन बाई वन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि जब 1971 में इंडिया का सबसे पहले जब सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसमें ये रिवील किया गया था कि देयर आर 380 डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया। और ये जो इतनी डायलेक्ट्स थी उसमें हिंदी ऑक्यूपाइड द फर्स्ट प्लेस, एंड फर्स्ट प्लेस बिकॉज इट इज़ स्पोकन बाई नियरली 30% ऑफ द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। एंड नेक्स्ट ऑफ हिंदी यहाँ पर बंगाली थी, एंड तेलुगू, मराठी एंड तमिल। तो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज विच इज़ नोन टू द एजुकेटेड पीपल ऑल ओवर द कंट्री। जितने भी एजुकेटेड लोग थे उन लोगों को इंग्लिश का काफ़ी अच्छा नॉलेज था और होना भी चाहिए था। इसलिए having interstate links of the following matters, हम English international language के रूप में एक link language मानी जाती है। और इसके कुछ हमने यहाँ पे दिया हुआ है area कि in our all over the country different areas like trade हमारा English में ही ज़्यादा होता है, and administration का काम English में होता है, management, सोशल अफेयर्स, कल्चरल, एजुकेशनल एक्सचेंजेस, ये सारे ज़्यादा इंग्लिश में ही होते हैं।
इसलिए इंग्लिश को इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज अ लिंक लैंग्वेज इन अवर कंट्री. नेक्स्ट है, हम यहाँ देख रहे हैं कि इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. अब इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है. इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, इट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ USA एंड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा. इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ मैनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज की सेकेंड लैंग्वेज भी है, जैसे अपने इंडिया है, रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, पाकिस्तान है. सो 1 in 10 persons ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 10 लोगों में से एक व्यक्ति को इंग्लिश का ज्ञान है. 50% ऑफ द वर्ल्ड जो रेडियो ब्रॉडकास्ट है या 70% ऑफ द वर्ल्ड मेल हैं वो इंग्लिश में ही होती है. तो UNO has given English the status of being an official language. UNO की official language English ही है, तो इसलिए English एक international language के रूप में जानी जाती है. Next है English a library language. English को library language इसलिए कहा जाता है क्योंकि हायर एजुकेशन, जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है, इफ़ यू वांट टू सी, इफ़ यू वांट टू नो द वर्ल्ड, यू हैव टू पीप थ्रू द विंडो ऑफ इंग्लिश. सो मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड गेटिंग हायर नॉलेज, द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्हें नीड टू कंसल्ट लाइब्रेरीज. लाइब्रेरी में जाना होता है, लाइब्रेरी से कंटेंट को कंसल्ट करना होता है, क्योंकि गुड रेफरेंस बुक्स हैं वो इंग्लिश में ही पाई जाती हैं और स्पेशली ऑन साइंस सब्जेक्ट्स. सो देयरफॉर अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज वेरी इम्परेटिव. आफ्टर द लाइब्रेरी लैंग्वेज, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इज इंग्लिश फॉर इनरिचमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज. अब इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज के अगर इनरिच करना है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के सहारे से कर सकते हैं. सो नो डाउट कि इंग्लिश लिटरेचर इज द ट्रेजर ऑफ रेट आइडियाज, रेयर आइडियाज एंड हाई थिंकिंग. ट्रांसलेशन ऑफ दिस लिटरेचर फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी या दूसरे किसी अदर रीजनल लैंग्वेजेस में विल श्योरली इनरिच दीज लैंग्वेजेस, क्योंकि ट्रांसलेटिंग जो स्टैंडर्ड वर्क है इंग्लिश इनटू हिंदी या दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में, अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज रिक्वायर्ड. उसकी सिमिलरली इफ वन वांट्स टू ट्रांसलेट स्टैंडर्ड वर्क्स ऑफ इंडिया फ्रॉम हिंदी और रीजनल लैंग्वेज इनटू इंग्लिश, तो इसलिए ही डेफिनेटली नीड्स टू नो द नॉलेज ऑफ इंग्लिश. सो इंग्लिश हेल्प अस थ्रू ट्रांसलेशन ऑफ गुड वर्क. हम ट्रांसलेशन के थ्रू रीजनल लैंग्वेज की रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं. सो इट इज़ आल्सो हैव इम्पोर्टेंस फॉर इनरिचमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज. नेक्स्ट इंग्लिश जो हम देख रहे हैं इन कमीशन एंड कॉन्फ्रेंसेस, जितने भी सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, वो मोस्टली इंग्लिश में ही होती है. सो इन कमीशन एंड कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे हमारे कमीशंस हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हैं जिन्होंने, जो इंडिया में टाइम टू टाइम हेल्ड होती रहती हैं, उन्होंने भी इंग्लिश की इम्पोर्टेंस पर एम्फसाइज किया है. एंड यूनिवर्सिटी, आप यहाँ देख रहे हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने इंग्लिश के लिए बोला है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज which is rich in literature, humanistic, scientific, technical. So, इसी तरह से और जो secondary education commission है, that is formed in 1952-53, इसने भी highlight किया है importance of English को, कि our youth should acquire knowledge from English. Our youth should acquire knowledge from all sources, contribute their shares and its expansion and development
In attainment of this objective, study of English is bound to play an important part. So, यहाँ English in commission and conferences में जैसा कि बताया ये secondary education का your youth should acquire knowledge from all sources for their development. So, like this we are here concluding that importance of English, जैसा कि आपने देखा कि English की कितनी importance है, English is a link language है, international language है and library language है, English हम enrichment of regional language को enrich करते हैं, बहुत सारी commissions and conferences में इसकी importance को highlight किया गया है. So, English should be the most useful library language in higher education and our most significant window on the world. So, आपने अभी the place of English in present context में देखा, इसे आप डिटेल में अपनी बुक में पढ़िए और जो आपके उसमें टास्क दिए हुए हैं उस टास्क को एज ए होम असाइनमेंट करिए. थैंक यू.